गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग सर. माई सेल्फ प्राची. आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर एंड माई टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन इज प्रिपेरेशन ऑफ एल्केन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन को और हाइड्रोजन को. ये टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि एल्केन्स. और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, एटसेट्रा, जैसे एल्कीन्स और एल्काइन्स. तो मेरा टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन्स. एल्केन्स को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. हम लोअर हाइड्रोकार्बन से लेकर हायर हाइड्रोकार्बन तक नाइट्रो कंपाउंड से, एल्कोहल से, एल्डिहाइड से और एसिड से भी बना सकते हैं. प्रिपेरेशन ऑफ एल्केन्स. एग्जाम्पल, प्रिपेयर करते हैं इथेन को. इथेन को हम लोअर हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन का एग्जाम्पल लेके. तो पहला स्टेप होता है हेलोजिनेशन रिएक्शन, जो होती है क्लोरीन और लाइट की प्रेजेंस में, जिससे बनता है एल्काइल हलाइड. फिर इसके हमें दो कार्बन की जरूरत है, तो हम इस कार्बन की डबलिंग करने के लिए हम वुड्स रिएक्शन लगाएंगे, जो होती है एन ए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और हीट में. ये होती है वुड्स रिएक्शन. हम इसको इथाइन से ये बना सकते हैं. हम इसको डायरेक्ट रिडक्शन करके H2 निकल की प्रेजेंस में एट 573 to 673 केल्विन, इसको बोलते हैं सेबेटियस एंडरसन्स रिएक्शन. एल्किन से भी बना सकते हैं, जैसे इस एल्किन से भी हम इसको ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं बाय अप्लाइंग सेबेटियस एंडरसन्स रिएक्शन. इसको हम एक और स्टेप से बना सकते हैं. पहले इसका HCl की प्रेजेंस में ले जाके इसका क्लोरोइथेन बनेगा. बाद में ZnHCl लगा के इथेन प्रीपेयर हो जाएगा. हम एल्कोहल से ही बना सकते हैं. हम लेते हैं इथेनॉल. इसको डायरेक्टली इसका कंप्लीट रिडक्शन करके HI रेड फॉस्फोरस और हीट की प्रेजेंस में डायरेक्ट ये बन सकता है. और अगर हम ज्यादा स्टेप्स में बनाना चाहें तो यहाँ पे ग्रूज रिएक्शन लगा के, जो होती है HCl ZnCl2 एनहाइड्रस होता है, जो उसकी प्रेजेंस में पहले ये बनेगा और बाद में हम ये फॉलो करके इथेन बना सकते हैं. ये होती है ग्रूज रिएक्शन. एल्डिहाइड से बनाने के लिए हम लेते हैं इथेनल. इसको हम वोल्फ किशनर रिएक्शन से बना सकते हैं, जो होती है NH2 NH2 बेस बेस की प्रेजेंस में. और इसको हम क्लेमेंसन से ही बना सकते हैं, और HI रेड फॉस्फोरस हीट लगा के भी हम इसको डायरेक्टली इसमें बना सकते हैं. प्रोपनाइक एसिड से, इसमें एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो हमें एक कार्बन को रिमूव करने के लिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन लगानी होती है, जो होती है NaOHCaO की प्रेजेंस में. इससे बनेगा जिससे बनेगा साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड. और फिर से NaOHCO लगा के Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और इथेन प्रिपेयर हो जाएगा. ये होती है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. यस, थैंक यू. Very warm and a pleasant good morning to Birdie sir and all my dear friends. Today, I, Jyoti of BSc Chemistry on this first year, is here to give my presentation on topic electromeric effect. First of all, what is electromeric effect? The complete transfer of pi electrons from the multiple bond towards the bonded atom. Here, the bonded atom is the one, usually one who is more electronegative. This is known with in the presence of an attacking reagent. This is known as electromeric effect. The second point about electromeric effect, that it is a temporary effect. Thirdly, in this attacking reagent is must. It is of two types, plus E effect and minus E effect. So if we talk about types of electromeric effect, then it is of two types, plus E effect and minus E.
It is of two types, plus e effect and minus e effect. Plus e effect means the complete transfer of pi electrons of a multiple bond to an atom to which finally the attacking reagent gets attached to it. If we talk about its example, then addition of acids to alkene is one of the example of plus e effect. So if we have an alkene, let's suppose we take this example and we are adding H positive to this. The pi electron can be transferred to any of the carbon. If we transfer it towards this carbon atom, so what would be the carbon situation? This carbon will gain the positive charge and the one who has taken the pi electrons will gain the negative charge. And as it is an electrophile, so it will be attracted towards the carbon who has gained the negative charge. So after the reaction, the product will be carbon positive and the H positive will be added towards this carbon. If now we talk about the minus E effect, then the transfer of the pi electrons towards the double bonded atom other than which towards the attacking reagent is added. Its example is addition of cyanide to carbonyl group is one of its example. So first of all, we will take a carbonyl group and we will add cyanide to this. As here in among carbon and oxygen, oxygen is more electronegative, so it will take the pi electrons and the carbon will gain the positive charge and the oxygen will gain negative charge. As cyanide is a nucleophile, so it will be attracted towards the carbon who has gained the positive charge. So after the reaction, the product would be the carbon will gain the cyanide and the oxygen will remain negative. Now, if we talk about significance of electromeric effect, no. First of all, identification of pi electrons transfer. If we have CH2, double bond carbon CH, then a CH3. Then how would we get to know that on which of the carbon the pi electrons will be transferred? In this case, as we know that if the pi electrons are transferred to this carbon atom, then this one will gain the positive charge and it would be primary carbocation. And we know that primary carbocation are less stable than secondary carbocation. And if the pi electrons are taken by this carbon atom, then this carbon will gain the positive charge and it will become secondary carbocation. And secondary carbocation is more stable than primary. Thus, this carbon will gain the positive charge and this one will gain the negative charge. So this is known as the identification of pi electrons transfer. And also here CH3 is there. So it will show plus I effect. Thus, both the situation matches over here. And second identification is of electronegativity. The one who is more electronegative will gain the pi electrons. Last significance, I want to tell it. And last, we will talk about significance of electromeric effect. The first significance is that it is the one which help in telling the mechanism of organic compounds which have multiple bonds. Secondly, in some compounds, both the effects are shown, that is plus inductive effect and electromeric effect. And sometimes when they oppose each other, then the electromeric effect shows the dominance. Thus, it is more important than inductive effect. Thank you so much. Good morning sir and my dear friends. Today my topic is inductive effect. अब inductive effect को समझने से पहले हम एक बार उसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. तो हम कार्बन की चेन लेते हैं और एक और ले लेते हैं. अब हम एक पे तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे हैं और हम एक पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं. अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना वो तो है दानवीर और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना वो थोड़ा सा भिखारी टाइप है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी होती है. तो अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीजिंग ग्रुप होगा ना वो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये जो बॉन्ड है ना इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये सिग्मा बॉन्ड है. अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ना वो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्स कर रहे हैं कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इस पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा
इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये जो है ना वो थोड़ा सा और डिस्पर्स करेगा, बट ये इससे कम डिस्पर्स करेगा, तो हम इसको दो बार लिख के नेगेटिव चार्ज से शो कर देते। ऐसे कर करके चार्ज का इफेक्ट कम होता जाएगा और लास्ट में खत्म होने को आ जाएगा ये। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, इसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, वो टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी कि इस तरफ होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे इसमें हुआ था वैसे इसमें होगा, जो डिस्पर्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ, द इफेक्ट इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं पहले तो हम ये समझेंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में सी हो सकता है, एच हो सकता है और सिंगल बॉन्ड हो सकता है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो उसमें सी कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट हो या फिर कुछ और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब हो तो हम उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लेते हैं। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट तो ये वाला है जिसमें कि हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं वो अवे फ्रॉम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और जो नेगेटिव में होता है उसमें टुवार्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अब जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं ना, वो डिस्पर्सल कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का इजिली, जैसे कि हम समझ सकते हैं इसको इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, यहाँ से ही पॉजिटिव साइन को गायब करना होता है इसकी जगह। अब देखो ये जो दानवीर है ये तो देगा, तो ये इसको ऐसे दे रहा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और इस पे आ जाएगा, क्योंकि इसने तो दी है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा, ये न्यूट्रल बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के। बेटा आपने वैलेंसी ज्यादा दिखा दी कार्बन, देखो कार्बन के फोर बॉन्ड दिखाए और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो एक बॉन्ड को हटाओ आप, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आपको। अब हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कार्बोनियम आयन ले लेते हैं। अब ये जो है ना इसके पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास ज्यादा है और इसके पास ये और देना चाहेगा। बट अब मेरे पेट में दो रोटी की जगह क्या मैं तीन खा सकती हूँ? नहीं खा सकती। तो ये क्या करेगा, ये लेगा नहीं, जिसकी वजह से इसके स्टेबिलिटी पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट आएगा। ये तो स्टेबल कहलाएगा क्योंकि इसने ले लिए, अब ये हल्का सा अनस्टेबल है क्योंकि ये नहीं लेगा और ये इसको देने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे ही मैं इसमें समझती हूँ, ये डिस्पर्सल कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज ना, ये डिस्पर्सल करेगा नेगेटिव चार्ज का आसानी से, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया सी डबल बॉन्ड ओ। हाँ तो इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो फ्लोरीन है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका लेने की टेंडेंसी है तो ये ले लेगा। अब इनको नोट कैसे करते हैं ये बताते हैं। प्लस आई इफेक्ट को तो मतलब इसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ अब इसकी। एक तो ये परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये हमेशा ही रहता है एक कंपाउंड के अंदर। और एक इसकी करेक्टरिस्टिक है ये पोलर नेचर का होता है, पोलर कोवेंट नेचर, और ये सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड किसी के भी अलोंग हो सकता है। पोलर नेचर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई इफेक्ट से कर सकते हैं। अब एक और है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होएगा, यहाँ पे हल्का सा कम होएगा, यहाँ पे उससे कम होएगा, यहाँ पे उससे कम, ऐसे होएगा, तो इसका डिस्पर्सल चार्ज टुगेदर द एटम तो स्ट्रोंग होएगा और अवे वाले में कम होएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके थैंक यू। फिर से बोलिए।
Good morning, everyone. My name is Lagita from Chemistry Honors, first year. So today I want to explain about the topic for my presentation, which is carbocation. So let's talk about carbocation. What is carbocation? So a positively charged species, which is trivalent and formed by heterolytic fission. So this is called carbocation. Let's talk about its structure. So let's talk about heterolytic fission. If we take alkyl halide, then we know that the bond pair have two electrons. And if the both electrons shifted toward the most electronegative atom, this is called heterolytic fission, which form the product, a carbocation. Like this, a positively charged species and the chlorine anion leaves. So this is called our carbocation. And let's talk about this. The geometry of carbocation is trigonal planar. And its hybridization is sp2 hybridization, because the carbon has six electron in three bond pair. So its hybridization is sp2. And also carbon have a vacant p orbital, which shows that it is electron deficient species. Carbocation have three types: primary carbocation, secondary carbocation, and tertiary carbocation. So what is primary carbocation? A positive charged species, if attached with one carbon, then it is called primary carbocation. Like this. This is our primary carbocation, means the carbon, the positive charged carbon is attached only with one carbon. So this is primary carbocation. Secondary carbocation, if our positively charged carbon is direct attached with two carbocation, like this. So this is our secondary carbocation, means carbon attached with two carbons. And tertiary carbocation is, if our carbon, positively charged carbon is attached with three carbon directly, so it is called our tertiary carbocation. So let's talk about their stability. Primary carbocation, secondary carbocation, and tertiary carbocation are their stability can be explained on the basis of inductive effect and hyper conjugation. So let's talk about inductive effect. तो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्सल होगा उतना ही वो हमारा जो भी कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल होगा. तो प्राइम सो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, हमारे पास एक CH3 प्रेजेंट होता है और हमें पता है कि हमारा जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. मीन्स यहाँ पे ये प्लस साइन इफेक्ट शो करता है, जिसका मतलब ये है कि ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा. ऐसे ही हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्या होता है, हमारे पास दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ऐसे, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों प्लस साइन इफेक्ट शो करेंगे. और टर्शरी में भी ऐसे ही होगा, ये CH3 पॉजिटिव, ये तीनों हमारे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. अभी इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर जो प्राइमरी वाला है उसके अंदर एक ही शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, मींस वो इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम डोनेट करेगा इंस्टेड ऑफ टर्शरी एंड सेकेंडरी. और टर्शरी में सॉरी सेकेंडरी में क्या होगा, हमारे पास दो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और टर्शरी में तीन करेंगे. मतलब जितने ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतना ही हमारे पास पॉजिटिव आयन का पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल है वो ज्यादा होगा. सो इनकी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इनके अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री होगा. ऐसे ही अगर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं तो हाइपर कंजुगेशन में एक तो कंडीशन होती है कि हमारा जो भी कार्बोकेटाइन है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, तो वो ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तभी हमारी हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस चलती है. अब हम अगर प्राइमरी में देखें, ये हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, इसके अंदर हम देखते हैं
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी sp3 है, मतलब इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन होगी बिकॉज ये कंडीशन को फॉलो करता है। तो इसके अंदर हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जिनकी वजह से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन चलेगी, मतलब जो एच पॉजिटिव एच जो हाइड्रोजन एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी की बात करें, उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं, 3 ये 3 ये, यहाँ पे 6 होते हैं, और ऐसे ही टर्शियरी कार्बोकेटायन में हमारे पास 9 होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन एटम होंगे, अल्फा हाइड्रोजन एटम, उतना ही चार्ज का डिस्पर्सल ज्यादा होगा, उतनी ही उसके अंदर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी। सो ये उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। उसके बेस पे 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बोकेटाइन। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ काजल, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट ईयर। टुडे माई टॉपिक इज बेंडेबल फोर्सेस। हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है बेंडेबल फोर्सेस। आपने बहुत तरह के फोर्सेस पढ़े होंगे। सबसे पहले जैसे आयनिक फोर्सेस होते हैं, उसमें क्या होगा कि दो आयन होंगे, उनके बीच में जो फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें एक जो कैटाइन होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये होता है हमारे आयोनिक। एक होते हैं कोवलेंट, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग आपको देखने को मिलती है, और एक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड में मतलब एक होते हैं डिटी बॉन्ड्स। डिटी बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम ऑटोमेटिकली अपने दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा और दूसरा रिसीव कर लेगा। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेंडेबल फोर्सेस। ये अलग तरह के फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं। बेंडेबल फोर्सेस आर द सिंपल अट्रैक्शन और रिपल्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम इज नॉन टू देन बेंडेबल फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑटोमेटिकली देखा जाए तो हमेशा नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे बेंडेबल फोर्सेस इफेक्ट है वो डालते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर है वो है साइज, या फिर सरफेस एरिया हम कह सकते हैं। ये बताया जाता है कि जो बेंडेबल फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिकली, कि जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा बेंडेबल फोर्सेस उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड फैक्टर क्या होता है वो है टेम्परेचर और प्रेशर का। ये बताते हैं कि जब टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लो होगा, टेम्परेचर लो होने की वजह से क्या होंगे, जो पार्टिकल थोड़ी पास पास आएंगे, अगर पार्टिकल पास पास आएंगे तो उनके अंदर इंट्रैक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके जो फोर्सेस होंगे वो भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। सेकेंड इज हाई प्रेशर। जब प्रेशर हाई होता है तो तब क्या देखने को मिलता है कि मॉलिक्यूल कंप्रेस होकर पास पास आ जाते हैं, जैसे पास पास आएंगे वैसे इंट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता भी है। अब हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं और कैसे उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेंडेबल फोर्सेस हैं वो बेसिकली 4 तरीके के देखने को मिलते हैं, डिस्पर्सिव, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्पर्जन, जिसको लंदन फोर्स भी कहा जाता है। ये क्या होता है कि लेट्स सपोज करो आपके पास क्या होंगे, दो आइसोलेटेड एटम है, ये आइसोलेटेड आइटम आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोटॉन्स भी हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब ये पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, इनके अंदर में कोई भी इंट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आने लगते हैं तो क्या होगा, इसका जो प्रोटोन है इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। अभी क्या करते हैं कि भाई इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके जो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ऑटोमेटिकली आपने क्या देखा कि जो नॉन पोलर, जिसके अंदर आपको कोई भी डायपोल दिख ही नहीं रहा है, वो क्या करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब पास पास आ रहे हैं ऑटोमेटिकली डायपोल्स जनरेट हो रहे हैं। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को हम कहते हैं। सेकेंड हमारा डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल ऑटोमेटिकली क्या, कि एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने HCl है, HCl के दो मॉलिक्यूल होते हैं, एच पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव। सेम आपके पास क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल होगा इसके अंदर इधर लगा देते कि भी एक पॉजिटिव एक सी एल नेगेटिव है, इनके बीच में पहले से क्या है, डाइपोल्स हैं। तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एक इसका एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, ये पास पास आएंगे, इधर अट्रैक्शन होगी और डाइपोल डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस। एच और सीएल के बीच कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे। ये वाला सर हाँ आज जी, एच और सीएल के बीच स्ट्रेट लाइन है, फ्री, और ये कोवलेंट बॉन्ड यस
फिर अब क्या होगा कि भी डायपोल डायपोल ऑटोमेटिकली इन दोनों के बीच में आपको फोर्सेस देखने को मिल जाते हैं। थर्ड आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, मींस एक तो डायपोल है, इट मींस एक परमानेंट डायपोल है। लेट्स सपोज करो आपने एग्जांपल ले लिया HCl, HCl में H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ऑटोमेटिकली परमानेंट डायपोल है। एक आपने ले लिया इंड्यूस्ड डायपोल, जैसे हम बेस्ट एग्जांपल होता है नोबल गैसेस का भी हम ले सकते हैं, जैसे आपने नियोन ले लिया या फिर आपने एरेगन ले लिया। इसमें क्या होता है कि भी H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, ठीक है, ये एक हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। आपने क्या ले लिया नियोन, नियोन का मॉलिक्यूल है एक प्रोटॉन इधर और इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रही है। अभी क्या होगा कि नियोन का वैसे नोबल गैसेस होते हैं, ये क्या करेंगे कि भी एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उतर देखने को मिलते हैं। जब ये सीएल नेगेटिव इसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चार्ज का सप्रेशन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ प्रोटोन एक तरफ। तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या कर रहे हो कि भी एक डायपोल था, इसने दूसरे के अंदर डायपोल को इंड्यूस कर दिया। दैट्स व्हाई इट इज नोन टू बी द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, इसका नाम है वो रखा गया। आखिरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम से पता चलता है जिसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इसमें भी फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन आपको देखने को मिलता है। ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए कि भी अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो उनके लिए व्हाट फर्दर कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होंगी। सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भी हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए। सेकेंड, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता, फ्लोरीन ऑक्सीजन ले लिया आपने या फिर N2 ले लिया। और थर्ड है वो है प्लेनरिटी कि भी मॉलिक्यूल्स ऑलवेज प्लेनर तो होने होने चाहिए। अगर मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में लाइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या देखोगे कि उनके बीच में अट्रैक्शन होगा ही नहीं, ना बॉन्ड बनेगा, तो इसलिए उनका प्लेनर होना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी देखने को मिलेगा। फिर बताते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो दो तरीके की होती है, एक होते हैं इंट्रा और एक होते हैं इंटर। इंट्रा शब्द का मतलब होता है विद इन, इंट्रा मीन्स विद इन कि भी एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो ऑलवेज मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने क्या ले लिया, ये NO2 है, उधर COH है, ये क्या करेंगे आपस में ही बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे कि भी इसका H होगा, इसका ये ऑक्सीजन होगा, उनके बीच में आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है बिटवीन कि किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। सेम HCl है, ये भी HCl है, इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है नेगेटिव, तब क्या होगा इनके बीच में भी आपको क्या देखा, इसका पॉजिटिव मतलब इसका H पॉजिटिव और इसका क्लोरीन, ये आपस में क्या कर देंगे, ये एक बेसिकली बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर देंगे जिसका नाम होता है इंटर पॉजिटिव दिखाओ के साथ स्लाइट कंडीशन वाली। अच्छा सॉरी, तो ये होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू माय डियर, सॉरी दोबारा स्टार्ट, एक बार दोबारा स्टार्ट। Good morning to the respected sir and all my dear friends. I am Meenakshi from Chemistry Honors first year. Today my topic is about chemical bond and the van der Waals forces of attraction. What is chemical bond? Simply, chemical bond is the forces of attraction which binds the molecules together. Why? मतलब किसी भी चीज को chemical bond की जरूरत ही क्यों पड़ती है? Chemical bond की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि केमिकल बॉन्ड की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हर एक जो चीज है इस वर्ल्ड में वो स्टेबलाइज होना चाहती है। स्टेबलाइज होने के लिए उसे बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। स्टेबलाइज वो कैसे हो सकती है? वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के दो तरीके होते हैं, देयर इज द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब कि दोनों ही जो एटम होते हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं।
और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम कंप्लीट ट्रांसफर यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है उनके को। और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी हम उसको बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि वो म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, एक जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और दूसरा उसको अटेन करता है, मतलब ले लेता है। जैसे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फर्स्ट इज डाइपोल डाइपोल, सेकेंड इज इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, थर्ड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड, फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड डाइपोल ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देर आर टू एटम्स विच आर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड एटम्स व्हेन दे अप्रोचेस ईच अदर देर इज अ, उनके बीच में क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो उनके बीच में उनके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। वैसे ही ये क्या होते हैं, इनके बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाता है। दूसरा हम बात करते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कि एक एटम जो होता है वो उसके अंदर डाइपोल पहले से प्रेजेंट होती है। जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे सी ये एक एटम है, इसके अंदर डाइपोल पहले से ही प्रेजेंट है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। कोई भी हम नोबल गैस का एटम ले लेते हैं, जैसे यहाँ नियोन है हमारे पास, ये इसके अंदर डाइपोल प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर डाइपोल प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसके अंदर जब डाइपोल इंड्यूस्ड हो जाएगा उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट डाइपोल डाइपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। हेयर वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विच हैव परमानेंट डाइपोल। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। इसके बीच में क्या है, परमानेंट डाइपोल इनके बीच में पहले ही प्रेजेंट है और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके बाद में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी इनके अंदर। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का एक स्पेशल केस होती है, उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोजन एटम जो होता है और उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे HF, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द फ्लोरीन, दैट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल दैट वी हैव नोन। इनके बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। जैसे इनके बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है, इसी को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरमोलिक्यूलर हाइब्रिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइब्रिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि इंटरमोलिक्यूलर मतलब इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जैसे ये मैंने दिखाई हुई है, ये क्या है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इंट्रामोलिक्यूलर मतलब विदिन द मॉलिक्यूल, जैसे सैलिसिलिक एसिड होती है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, उसके अंदर क्या होती है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर एंड माय डियर फ्रेंड्स। आई एम मुस्कान फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स इन नेकीराम कॉलेज। टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज रिएक्शन अहेड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली हम देखते हैं कि रिएक्शन होते हैं जब हमारे